बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे पास टाइम बहुत कम है और मुझे लगता है कि मुझे दोबारा भी इधर आना चाहिए और बहुत ही पॉजिटिव, बहुत पीस ऑफ माइंड, बहुत खूबसूरत जगह है मेरे ख्याल। मैंने हमेशा बोला है तू कहीं भी रहेगी सुख दुख में मैं साथ दूंगा, ये बोला था उसको। ठीक है, ये भी बोला था कहीं भी जाओ जॉब के लिए आना यहीं पड़ेगा। मेरे पास तो ये बता के गई थी कि जयपुर गई हूँ। हमने कंपनियों में जो स्टाफ हैं सब पूछते थे, हमने बता दी कि जयपुर गई है, जयपुर गई है। और मेरे को कल शाम को पता चला है क्या पता चला? कि चला ये चला है कि लाहौर हूँ। तो कैसे पता चला आपको? वो फ़ोन आया था वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग उस पर। क्या बताया उन्होंने? थोड़ा दिल से बताइए। उन्होंने बताया था कि मैं लाहौर हूँ। मैं सबको बता दिया हूँ, मम्मी पापा को, फेवा को, ब्लेसिंग को, सब। तो लाहौर क्या करने के लिए वहाँ पर? ये मेरे को नहीं पता है कि लाहौर क्या करने के लिए, क्लियर कट मेरे को नहीं पता इस बारे में कि क्यों गई है, कैसे गई है, ये नहीं मेरे को पता। कैसे वीज़ा अप्लाई किया, कैसे क्या हुआ, कैसे वेरिफिकेशन हुआ, मेरे को इस बारे में कोई पता नहीं है। हाँ, मेरे से ये बोली थी कि जयपुर सहेली रहती है, उससे मिलने गई हूँ, ये बात हुई थी मेरे। कोई नूरुल्लाह नाम के शख्स हैं जो खैबर पख्तून में रहते हैं, मेरे उन्होंने को इसके बारे में कोई जानकारी कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुंच जाऊंगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से, सबसे, कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज़। जो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं लाइन पे हूँ। जब यहाँ साथ में रहते हैं वो, तब तो ऐसा कुछ भी लगा नहीं हम लोगों को कि ऐसे कोई कांटेक्ट है उनके साथ, किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं लगा।